जितने भी सीट्स वैकेंट रहे हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बेसिक टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, तो इट डजंट मीन कि वो जितने भी सीट्स वैकेंट हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे वैकेंट ही। बिल्कुल 100% चांसेस है कि सेकंड राउंड कंफर्म होगा। तो आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं कि उन वो लोग बोल रहे हैं कि हमने बोपी वालों को फ़ोन किया, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो आप यकीन मानो कि सेकंड राउंड कंफर्म होगा, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर आया फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो उसको फिल करने के लिए सेकंड राउंड होगा। अगर सेकंड राउंड में भी शॉर्ट फॉर रहता है देन थर्ड राउंड भी होगा। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नासिर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनानी एफएल 2M। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सेकंड राउंड होगा कि नहीं है। तो कुछ लोगों ने एडमिशन किया था, जस्ट उनको अपग्रेडेशन में जाना था, इसलिए उन लोगों ने एडमिशन किया था किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो अगर उनको इंटरेस्ट भी नहीं था लेकिन उन्होंने फिर भी एडमिशन किया, क्योंकि एडमिशन ज़रूरी करना था, तभी आप जिन लोगों ने एडमिशन किया तभी वो सेकंड राउंड में जा सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। तो आप यहाँ पे आते हैं बात कि सेकंड राउंड होगा कि नहीं है, होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, नासिर अफशल 21 है इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको भी कोई भी इशू है तो मुझे डीएम कर सकते हो, नासिर अफशल 21। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगर बात करें कि सेकंड राउंड होगा कि नहीं है, तो स्टूडेंट्स परेशान हैं इस बात से। तो मैं आपको बोल दूं कि बहुत सारों ने वीडियो अपलोड किए थे, बहुत सारों ने स्टूडेंट्स को परेशान किया है कि सेकंड राउंड नहीं होगा, कम चांसेस है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो मैं आपको बोल दूं कि सेकंड राउंड कन्फर्म होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि कैसे होगा। आपको पता ही होगा जब ऑनलाइन काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आई थी पिछली बार, जब बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की फर्स्ट राउंड हुई थी, तो तब जो पहले नोटिस आई थी ऑनलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग के 30 पॉइंट्स अबू जिनके पॉइंट्स हैं तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहा है कि नीचे लिखा था कि जो CDP की कैटेगरी है तो उसको केस चल रहा था हाईकोर्ट में, तभी तो ये केस सॉल्व नहीं हुआ था तब। तो यहाँ पर लिखा है कि दीज सीट्स शैल बी फिल्ड ज्यूरिंग सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो मीन्स थर्ड राउंड भी होगा और सेकंड राउंड भी, थर्ड राउंड होने के भी चांसेस है और सेकंड राउंड भी कंफर्म होगा, क्योंकि जो CDP की कैटेगरी की सीट्स है तो वो अभी फिल नहीं हुई है। तो उन लोगों ने तभी बोला था कि सेकंड राउंड में जो सीट्स है CDP कैटेगरी की सीट जो है वो सेकंड राउंड में फिल हो जाएगी। तो INC की नोट्स पे नज़र डालोगे तो आपको पता ही होगा कि 31 दिसंबर से पहले पहले जो एडमिशन प्रोसेस थी वो कंप्लीट करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहत की वजह से आपको लगता है कि बहुत सारे पूछ रहे हैं कि अब कुछ दिन ही बच गए हैं तो इनमें एडमिशन प्रोसेस जो काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट कैसे होगी। तो मैं आपको बोल दूँ कि डेट्स एक्सटेंड हो सकते हैं, क्योंकि ये नामुमकिन है, मतलब इतनी ही टाइम में काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी है, इसलिए डेट्स एक्सटेंड हो सकते हैं। और तीसरी बात, जब मैंने कॉलेज वालों से बात की, बहुत सारे कॉलेज वालों से, उन लोगों ने कहा कि क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगे जब तक सेकंड राउंड नहीं होगा, जब तक सारी सीट जो है वैकेंट वो फिल नहीं होंगी, तो इसलिए जो है सेकंड राउंड कन्फर्म होगा।